सरोकार। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, काल भैरव मंदिर में पूजा के बाद पहुंचे विश्वनाथ मंदिर। एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। महाराजा सुहेलदेव की 124वीं जयंती मनाएंगे मुख्य अतिथि के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हुए शामिल। लद्दाख में भारतीय निगरानी ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सभी नागरिक उड़ानें रोकी गई। सड़क जाम करने में मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी करार, एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम के सदस्यों और राज्यवासियों को बधाइयां दी है और कहा कि देश की कुल अर्थव्यवस्था का 8वां हिस्सा उत्तर प्रदेश से पूरा होने की जानकारी दी। देवियों और स्वजन, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास से उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में प्रगति हो रही है। मुझे बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सबसे अधिक बिक्री उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स को विकसित किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में प्रयास किए जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी प्रयास देश के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इन प्रयासों के लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। G20 सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा चुका है। लखनऊ पुलिस ने यातायात से समस्या निपटारे के लिए रूट डायवर्जन किया और यातायात सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। DCP ट्रैफिक रईस अख्तर ने प्राइम टीवी ने खास बातचीत की और G20 में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। G20 सम्मेलन बहुत अच्छा रहा, खास रहा, लेकिन इसमें ट्रैफिक पुलिस की भी बहुत अच्छी भूमिका साबित हुई। हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक रही सकता साहब, उनसे ही बात करते हैं। सर, किस तरह की चुनौती रही, क्योंकि बहुत से विदेशी मेहमान आए थे और किस तरह से ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी? हमारा भी GIS का सम्मेलन हुआ है, व्यापक किए थे, उसमें तीन तरीके के पार्टिसिपेंट थे। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स और कई मंत्री भी उसमें सम्मिलित थे। तो हम लोगों ने सबको तीन कैटेगरी में बांटा था, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और रेड पास धारक थे, जिसकी संख्या लगभग 10,000 के करीब। तो हम लोगों ने इनकी अलग अलग कोर्स का बंदोबस्त किया। उसके अलावा उस समय शहर में बाहरी वाहनों और जो कमर्शियल वाहन है उनका प्रवेश प्रतिबंधित किया गया, ताकि किसी भी तरीके से हमारा शहीद पर ले जाने के लिए हमारा मुख्य मार्ग था वो बाधित ना हो। और इसी तरह हमारे ट्रैफिक के सभी साथियों की मेहनत से और जो सिविल पुलिस का सहयोग है, इससे ये कार्यक्रम सबसे संपन्न। सर, कहीं कहीं हाईवे ने ट्रैफिक चौक भी हुआ था, कुछ समस्या भी आई। सर, इतना अच्छा कार्यक्रम चला और इतनी मजबूती सिक्योरिटी होने के बाद भी कुछ ऐसे कैसे हो सकता है कि कहीं हाईवे चौक पर गए तो उसमें कई स्कूली वहाँ से फंसे हुए थे और कुछ एम्बुलेंस भी फंसी और शायद पहला ही दिन था, ऐसे क्या वजह रही थी? नहीं, वो
हाईवे चौक होने की वजह यह है कि कई गाड़ियां जो भारी वाहन हैं वो प्रयास करते हैं कि हम शहर के अंदर आएँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा शहीद पद उसको हम लोगों ने भारी वाहनों से प्रतिबंधित किया था, कुछ लोग मानते नहीं बातों और इसके लिए उनको रोका जाता है, ऐसे लोग रुके रहते हैं। तो गाड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि यहाँ 50,000 वाहन जिसमें ट्रक और भारी वाहन सब यहाँ से गुजरते हैं, उसमें काफ़ी संख्या में लोग बात नहीं मानते हैं तो उनको रोकना पड़ा, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि चौक हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनको हमको नो एंट्री का अनुपालन भी कराना होता है, उनको रोकना पड़ता है। सर एक चीज़ और है, लखनऊ में आज चटोरी गली से डेलीगेशन आई है सर, उसको कैसे अरेंज कर लीजिए आपके साथ पुलिस को, ऑफिस से बात है ट्रैफिक होने ही होना है, डेलीगेशन आएंगे एक फोटोग्राफ सर, उस चीज़ को कैसे मैनेज करें? हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी जगह का कोई अल्टरनेट रूट है जिस पर हम उनको डाइवर्ट कर सकते हैं तो हम लोग डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग कोई रोड नहीं बनाते जी। हर रोड आप यहाँ जानते होंगे पीक आवर्स में भर के चलता है, तो अगर हम पीक आवर्स में कोई वीआईपी का विजिट होता है चाहे वो डेलीगेट्स हो या कोई अन्य वीआईपी हो, तो उस समय हमको ट्रैफिक को वहाँ रुकना पड़ता है, जिससे थोड़ी देर के लिए असुविधा होती है, लेकिन फिर मार्ग वैसे ही चलता है जैसे चलता है, और हम लोग प्रयास करते हैं बहुत जल्दी हम लोग इवैक्यूएट करा। सर एक आखिरी सवाल था, लखनऊ ट्रैफिक पुलिस हमेशा से बहुत बेहतर कार्य कर रही है और करती है, तो क्या लगता है सर आगे भी इससे बेहतर कार्य करने की संभावना प्रबल होती है? हाँ, हम लोग जो अवेलेबल संसाधन होते हैं उसके हिसाब से हम जो हमारा ट्रैफिक पुलिस का रोल है इन्फोर्समेंट का, हम लोग उसको करते हुए ट्रैफिक फ्लो को हम लोग आसानी से कराते हैं, ट्रैफिक कहीं बाधित ना हो, लेकिन हमारे भी कुछ मजबूरियाँ हैं, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं और भारी वाहन चलते हैं उनकी वजह से कई बार अव्यवस्था होती है, कई बार हमारे जो ई रिक्शा हैं या ऑटो हैं वो प्रतिबंधित रोड्स पे भी चलते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तमाम चुनौतियों के बीच लखनऊ पुलिस और ट्रैफिक अच्छा कार्य कर रही है, और मुझे लगता है कि हम लोग आगे भी इसको ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक रईस सक्कर साहब, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो भी चुनौतियां थी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से निभाया। कैमरा मैन न्यूज के साथ सागर थापा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मौलाना अरशद मदनी सद्भाव सभा में सनातन धर्म और अन्य पंथों की तुलना में इस्लाम को सर्वोपरि बताने वाले बयान के लिए उन्हें तत्काल हिंदू बौद्ध जैन सिख के धर्माचार्यों से माफी मांगनी चाहिए। साहब के द्वारा जो कहा गया है उस संबंध में मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है, कल भी मैंने समाचार चैनलों पर अपनी बात को कहा है, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को मानते हुए किसी अच्छे वातावरण में वहां मीडिया के लोग भी रहें, और ये सामने बैठ करके, क्योंकि मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, प्रमाण के साथ मैं भी वो भी अपने तथ्य ले आए, दुनिया मानती है और ये बात प्रमाणिक है कि इस्लाम लगभग 1400 साल पुराना है और सनातन धर्म हिंदू धर्म करोड़ों साल पुराना है, उसी के सब जो निकल करके पंथ और मजहब बने हैं ये बात सब मानते, तो इस बात का बैठ करके कहीं भी जहां मदनी साहब कहें वहां बैठ करके बातचीत हो जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांवों की साफ सफाई के लिए बड़ा तोहफा दिया है, गांव में खराब शौचालय को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत सर्वे कराकर मरम्मत कराने का कार्य किया जाएगा। डीपीआरओ जाहिद हुसैन ने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य वित्त आयोग और मनरेगा की तरफ से खराब शौचालय को ठीक कराया जाएगा। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 होना है, जिसमें ग्राम पंचायतों की स्वच्छता को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके सिटीजन फीडबैक लेके ये सब आकलन किया जाता है कि गांव कितना स्वच्छ है, और इसी के क्रम में हमारे यहां पे जो पूर्व में निर्मित शौचालय हैं उन सभी का एक सर्वे कराया गया है पंचायत सहायकों के माध्यम से।
कानपुर पुलिस की सर्विस लांच टीम ने 101 लापता मोबाइल सेट बरामद किए थे। कानपुर पश्चिमी डीसीपी विजय ढूल की सर्विस लांच टीम की मदद से खोज निकाला गया था। ये मोबाइल सेट सोमवार को उनके मालिकों को सौंप दिए गए। जिला पुलिस ने पुलिस लाइंस में एक संक्षिप्त समारोह आयोजित किया। सर, मेरा फ़ोन लास्ट ईयर 8 जनवरी 2022 को खो गया था और सर आज मेरे हाथ में है फ़ोन। मैंने मतलब बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मतलब मेरा फ़ोन मिलेगा, बट थैंक्स टू योगी सरकार एंड आवर पुलिस टीम कि मतलब उन्होंने इतना कुछ करके हमारा फ़ोन दिलाया। एंड सैल्यूट करती हूँ उनको कि आज उनकी वजह से हमारा फ़ोन मेरे पास है। थैंक यू। विभिन्न कारणों से जो व्यक्तियों के मोबाइल गुम हुए या कहीं गिर गए, ऐसे जो शिकायतें वेस्ट जोन में प्राप्त हुई थी, ऐसे शिकायतों में से 101 मोबाइल फ़ोन वेस्ट जोन के सर्विलांस टीम ने उनके अधिकारियों के निर्देशन में बरामद कराए हैं और ये सभी मोबाइल जिन लोगों के ये मोबाइल थे उनको लौटाए जा रहे हैं। संभल में भाकियू अराजनैतिक असली ने आलू किसानों की समस्या को लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि कोल्ड स्टोर स्वामी किसानों के प्रति उत्पीड़न का रवैया अपना रहे हैं, साथ ही आवारा गोवंश लगातार किसानों की परेशानी बने हुए हैं। और आवारा गोवंश आलू किसानों के संबंध में अभी मिल मालिकों ने मीटिंग की और उन्होंने अपनी मीटिंग करके अपना वो तय कर लिया कि इस बार 50 किलो से ज़्यादा हम वजन नहीं लेंगे कट्टे में, 22-40 का कट्टा लगाने की बात कर रहे हैं वो, जबकि पहले 24-40 में लगता था। कट्टा छोटा कर दिया, किराया बढ़ा दिया है, किराया वो कर रहे हैं 140, जबकि पिछला किराया जो तय हुआ था संगठन के माध्यम से वो 125 रुपये। गाजियाबाद में ऑटो में लिफ्ट देने के बहाने लोगों से लूटपाट करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस गैंग का सरगना भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों द्वारा बीते कुछ दिन पहले विजयनगर थाना क्षेत्र इलाके में एक 5-स्टार होटल में चोरी की गई थी। 5-स्टार होटल के शेफ हैं, उनके साथ में रात्रि लगभग 12 बजे के करीब घटना हुई थी, जिसमें वो सेक्टर 62 से उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑटो लिया और उनको यहाँ उतरना था गाज़ियाबाद में आकर के। बीच में ही ये लोग उनको किसी कच्चे रास्ते पर ले गए, उनके साथ में लूटपाट की घटना की और उसको बीच में ही उतार दिया। उसमें घटना में जो उनका मोबाइल लूटा गया था इन अभियुक्तों के द्वारा वो बरामद हुआ है, साथ में कुछ नकदी और उनके पास से 2 चाकू बरामद हुए। ब्राह्मण चेतना समिति के पदाधिकारियों ने विधायक ओम मणि वर्मा पर दिव्यांग और उसके बेटे पर रंगदारी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है। समिति के सदस्यों ने कहा कि पुलिस विधायक के निर्देश पर ब्राह्मण परिवार का उत्पीड़न कर रही है। शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे दिव्यांग और उसके बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तिवारी जी हैं, नारायणी के रहने वाले हैं, तो वो इस समय अनशनरत हैं जी अशोक लाज पे। तो कुछ उनके पड़ोसी जो ओम प्रकाश पांडे वगैरह हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं मार्केट में। उनका आरोप ये है कि ये सब कुछ जो कुछ भी है वो विधायक जी के इशारे पर हो रहा है। सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया है। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र भारती और पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी उमाशंकर को सौंपा है। एक तरह से भारतीय लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कलेक्ट्रेट में हम लोग हमारे आजाद समाज पार्टी के मुखिया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब ने आह्वान किया है कि आज उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों पर जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम देश के राष्ट्रपति को 5 सूत्रीय ज्ञापन देना है। उसमें मांग है कि जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से भी मांग है कि कराई जाए। हरदोई के मल्लावा इलाके में एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। बीती रात बच्ची के माता पिता खेत पर फसल बचाने गए थे। रात में मासूम बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ सो रही थी। इसी दौरान पड़ोसी ने घर में घुसकर उसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। जब उसने शोर मचाया तो उसकी बहन उठ गई। इस पर आरोपी दीदा
माफ कीजिएगा, इस पर आरोपी दीवार फांदकर भाग गया। हुआ है थाना मलावा में, इसका एक गद्दर नाम का व्यक्ति जिसके बारे में ज्ञात हुआ है कि शायद अन्य अपराधों में भी कभी जेल गया है, वो अपने घर के ठीक सामने जो रहते हैं, कल रात में उनके घर में कूद गया था, उनकी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। असमौली ब्लॉक के नरेटा मोहम्मदपुर गांव में सफाई नहीं होने पर जलभराव से ग्रामीणों को घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बस्ती के बीच में घूरी पड़ी है, ग्राम प्रधान से मिलकर हटवाने की मांग की पर अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है, जिसकी वजह से गांव में घातक बीमारियां जन्म ले रही है। सफाई कर्मी ध्यान नहीं देता, शिकायत करते हैं, थोड़ी बहुत गारा निकाला चला गया। अच्छा, यहाँ नमाजी निकलते हैं, कपड़े सारे खराब हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, जगह हर आदमी को परेशानी है। जगह लगभग कितने समय से ये भरा हुआ पानी? करीब हो गया साल भर से ज्यादा हो गया। साल भर से ऐसे ही भरा हुआ ऐसी रहता। अच्छा, कोई सुनवाई आपने शिकायत करी इसकी? शिकायत करी, वो सफाई कर्मचारी आता नहीं। अच्छा, हफ्ते में 15 दिन में एक आध दिन आता बस। तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी क्या, बच्चों को तुम देख रहे हो, पानी में कोई निकल रहे हैं बच्चे, गंदगी में यहाँ से घर में जाते हैं, मच्छर होते हैं, बीमारी पड़ती है। ये था बहुत दिनों से है। अच्छा, आपने इसकी शिकायत वगैरह करी किसी से? शिकायत करे, वो सफाई करने आवे, अपने थोड़ी थोड़ी करी, ऊपर ऊपर से सफाई हो चले जाओ। नालिये बंद है सब? नालिये बंद पड़ी है। प्रधान जी वगैरह इस पर ध्यान नहीं दे रहे? प्रधान जी तो दे रहे ध्यान, मगर जो सफाई करने वाला वो दे। राजस्थान के भरतपुर जिले में नायक के पद पर तैनात सेना के जवान अमित सिंह और उनके भाई के साथ दबंगों ने मारपीट कर नकदी सोने की चेन को छीनकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि ढाबे से खाना खाकर वापस जा रहे थे, इस दौरान सड़क किनारे संदिग्ध रूप से खड़ी कार की जांच पड़ताल करने पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया और नकदी सोने की चेन लेकर फरार हो गए। लालगंज थाना में तहरीर पर सुनवाई नहीं होने पर जवान ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय और सुरक्षा की मांग की है। हरदोई में घर से लकड़ी बीनने निकली एक विधवा की गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्यारे महिला का शव बबूल के जंगल में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के साथ फील्ड यूनिट मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। बताया गया कि कासिमपुर थाने के काजीपुर गांव निवासी किशन पाल की 45 वर्षीय विधवा सोनी रविवार की दोपहर को घर से गाँव के पूरब बबूल के जंगल से लकड़ी बीन कर ले जाने की बात कहकर घर से निकली थी। हुआ है कि काजीपुर और बनियाखेड़ा के बीच में जंगल है, काजीपुर के रहने वाली ये महिला कल दिन में 1 बजे लकड़ी काटने निकली थी, जिसका कुछ पता नहीं चल पाया था। इसका शव आज यहाँ पेड़ों के बीच में मिला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसी की साड़ी से इसका गला कस दिया गया है और शेष पोस्टमार्टम से ज्ञात होगा किस प्रकार मृत्यु हुई है और पुलिस पड़ताल कर रही है। फरीदाबाद के गांव वजीरपुर के लोग सीवर की भारी समस्या से परेशान हैं। लोगों की समस्या को लेकर मंत्री तक शिकायत कर चुके हैं पर अभी तक उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर वह लगातार प्रदर्शन और सड़क पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो इसे गंदे पानी से ही निकाल कर ले जाना पड़ता है। वाटिका है और वजीरपुर रोड, जीवन वाटिका, ओल्ड फरीदाबाद, शमशान घाट वाला रास्ता, पुराना जो वजीरपुर रोड है वो वाला रोड है जी। ये दिक्कत ये आ रही है जी, कॉलोनी में जो ये मेन रोड है, ये पानी जो है काफ़ी समय से भरा रोड है, जिसके चलते लोगों के लिकड़ने बढ़ने में दिक्कत है और स्कूल के बच्चों के लिए भी दिक्कत है जो स्कूल समय से नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन मामला ये है कि पिछले 3-4 साल से ये हमारा वजीरपुर रोड है और ये मेन रोड है, इस पर काफ़ी कॉलोनियाँ लगती हैं और काफ़ी गांव भी लगते हैं और इस पर घुटने घुटने पानी भरा हुआ, 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ, आपने जैसे देख रहे होंगे, इसमें से ट्रैक्टर ट्रॉली भी आ रहे हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, लोग आए दिन गिर रहे हैं। और नहर पार क्या है, जैसे अपना खेड़ी रोड देख लीजिए वो पूरा खुदा हुआ है, मोबी रोड देख लीजिए वो पूरा खुदा हुआ है, हमारे साथ में शमशान घाट है, यहाँ पर जब बॉडियाँ जाती हैं तो हमें बड़ी दिक्कतें होती हैं।
एसएसपी कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची पीड़िता शाहीन ने बताया कि बेटी की शादी के लिए 15 साल पहले मंजूर गढ़ी में एक प्लॉट खरीदा है, लेकिन दबंगों ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया और अब प्लॉट पर आने जाने से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत की है, पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। 200 गज का मेरे भाई ने प्लॉट लिया था अपनी लड़की की शादी के लिए, साहब गांव की जमीन बिगाड़ी है, हमने भी सहारा लगाया था, साहब सिलाई करते हैं सड़क पे, आप इंक्वायरी करा लीजिए। तो कौन लोग हैं जिन्होंने आपका? साहब अजना के रहने वाले, ताहिर नाम है उनका, और हम गए थे तो हमने देखा कि दीवार और मुर लगवा रहे थे, हमने उनसे ये कहा कि साहब ये तो हमारा प्लॉट है, तो कह रहे आपका कैसे हो जाएगा, हम 250 गज का बहनामा करा के लाए, साहब साइट है हमारी ये के बिल्कुल, साहब हमारी कोई सुनने को तैयारी नहीं था वहाँ पर, और तमन जी बन मुझे और सब भी ला कर हमें दिखा रहे थे कि हम तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी तो सब जगह सेटिंग चलती है। हमारा 200 गज का प्लॉट था, हमने अपनी बेटी के लिए लिया था, बहुत मेहनत मजदूरी करके गाँव की ज़मीन देख कर, और वो एक दबंग है उसने कब्जा कर लिया है, वो देना नहीं चाह रहा, ताहिन नाम है उसका, और हमने अपनी बच्ची के लिए बहुत मुश्किल से लिया है, जहाँ तो इंक्वायरी कर लें, हमारा आदमी मेहनत मजदूरी करते हैं, सड़क पर काम करते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में हुई चोरी का क्राइम ब्रांच टीम ने खुलासा किया है। चोरी में शामिल 2 आरोपियों को टीम ने गिरफ्तार किया है। नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर अवैध पिस्तौल चाकू की नोक पर महिला बच्चों को बंधक बनाकर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए थे। पीड़िता की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी में सफलता हासिल की है। करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच 30 ने महिलाओं को घर में अकेला पाकर डकैती करने वाले एक गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसके अंतर्गत दिनांक 4/2/2023 को शाम को करीबन 9:10 बजे सेक्टर 55 एरिया में एक घर में अकेली महिला को पाकर 2 नकाबपोश बदमाश घर में घुसते हैं, उनको पिस्टल और चाकू दिखाकर मौत का भय दिखाकर उनको धमकाते हैं और बाथरूम में बंद करके घर में रखी हुई ज्वेलरी व पैसे लूट के ले जाते हैं। इस गिरोह को पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच 30 ने 7 दिन के अंदर अंदर कामयाबी हासिल की है। इसमें लोग पकड़े हैं? इसमें 2 लोग शामिल थे, दोनों लोग पकड़ लिए गए। बुलंदशहर में मुख्य विकास अधिकारी कुलदीप मीणा ने किसानों से गोवंशों को जानबूझकर आवारा नहीं छोड़ने की अपील की है। मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉक अधिकारियों को आवारा गोवंश को गौशाला में सुरक्षित भेजने के निर्देश दिए और किसानों के आवारा गोवंश के फसल बर्बाद करने की शिकायत को संज्ञान में लेने के लिए कहा गया है। विगत 10-15 दिनों से कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स में किसानों की समस्याएं आई हैं, जिसमें कि उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकार द्वारा जो संरक्षित किए गए हैं गौवंश, उसके अलग कुछ निराश्रित गौवंश ऐसे घूम रहे हैं जो कि उनकी फसलें बर्बाद कर रहे हैं। संबंधित किसान हमारे ब्लॉक्स पे आए हैं और हमने जब जब हमें सूचना मिली है हमारी गौशालाओं में उनके द्वारा जो भी निराश्रित गौवंश बताया गया है उनको पकड़ के रखा गया है। अभी ऐसा भी संज्ञान में आया है कि जब वो गाय जो 10 लीटर दूध दिया करती थी, आज जो 1 लीटर दे रही है, तो 1 लीटर वाली स्टेज पे आपने छोड़ दिया और नई गाय ले ली, तो आज हमारे पास गौशालाओं में वो 1 लीटर वाली गाय भी उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं हमें खुद को सोचना होगा किसानों को कि इस तरीके की अगर हम करेंगे तो ये हमारी खुद की गौ माता है, हमें इसे अननेसेसरली नहीं छोड़ना चाहिए अगर वो अपने जीवन के आखिरी पायदान पे पहुंच गई। खबर हरदोई से, जहां पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोनार इलाके में हर्ष फायरिंग में एक युवक घायल हो गया, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लोनार में ग्राम भुइया पड़ता है, वहां पर एक व्यक्ति आशीष सिंह जो की रहने वाला बेटा गोकुल का है, वो तिलक समारोह में गया था, जिसमें श्यामवीर सिंह के नाती का तिलक था, उसमें हर्ष फायरिंग के दौरान उसको गोली लगी है, जांघ में 12 बोर के छर्रे लगे हैं और उनका इलाज चल रहा है जिला चिकित्सालय में, इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में अज्ञात परिस्थितियों में एक युवक ने लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या की। मृतक के परिजनों में घटना के बाद कोहराम का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना पाली के ग्राम अवर्ता में एक व्यक्ति है रवि प्रकाश, करीब 28 वर्ष के, वो अपने लाइसेंसी
राइफल से गोली मार के आत्महत्या कर ली है। इनके माताजी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है इस आशय का कि हमारे पुत्र सुबह 4 बजे भोर में आत्महत्या कर लिया है। इसमें शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। राइफल मौके से पुलिस कब्जे में ले लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदन की तस्करी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी के छोटे और बड़े पीस बरामद हुए हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। चंदन की तस्करी में होंडा सिटी कार का इस्तेमाल किया जाता था। चंदन तस्करी का आइडिया इन अभियुक्तों ने फिल्म पुष्पा को देख कर लिया था। राजपुर क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चंदन की लकड़ी की तस्करी की जा रही है और कुछ तस्कर हैं जो गाड़ी से चंदन की लकड़ी को रीवा मध्य प्रदेश से लेकर के कन्नौज में बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर कानपुर नगर की क्राइम ब्रांच की टीम और महाराजपुर थाना की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 164 kg चंदन की लकड़ी बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रुपए है और जिस गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग किया जा रहा है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।